कहानी है रोहित की, जो कि अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और रिसर्च के जरिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सफल हुआ। एक दिन उसने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना। उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने सभी ने उससे कहा, ये सब बहुत रिस्की है, इसको मत करो। डीपली रिसर्च की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, पैसा इन्वेस्ट किया और डेली मार्केट मूवमेंट्स को मॉनिटर करता चला गया। पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना कंटिन्यू किया। अपने इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट बुकिंग से अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर दिया। राइट अप्रोच से आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं। कहानी है रोहित की, जो कि अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और रिसर्च के जरिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सफल हुआ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहित, जो कि एक यंग प्रोफेशनल था जिसका इंटरेस्ट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में भी था, एक दिन उसने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना। उसने डिसाइड किया कि वो इस न्यू ट्रेंड को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने सभी ने उससे कहा, ये सब बहुत रिस्की है, इसको मत करो। रोहित ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अपने डिसीजन पे अटल रहा। रोहित ने बिटकॉइन के बारे में डीपली रिसर्च की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की। उसने मार्केट ट्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हिस्टोरिकल डेटा को समझा। उसने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और डेली मार्केट मूवमेंट्स को मॉनिटर करता चला गया। बाद में उसकी इन्वेस्टमेंट में बहुत अप्स और डाउन्स आए, लेकिन उसने पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना कंटिन्यू किया। एक साल के बाद जब बिटकॉइन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी, रोहित ने टाइमली इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट बुकिंग से अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर दिया। उसने सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि ऑल्टकॉइंस में भी डाइवर्सिफाई किया और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस में रखा। रोहित ने अपने लर्निंग्स और अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया, जहां लोग उसकी गाइडेंस का फायदा लेने लगे। आज रोहित एक सक्सेसफुल क्रिप्टो इन्वेस्टर है, जिसे लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में देखते हैं। उसने अपने नॉलेज और स्ट्रेटेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। अब वो अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों को शेयर करता और उनकी मदद करता। तो इस कहानी में ट्विस्ट ये है, लोग ये सोचते थे कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक भवन है, रोहित ने अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और रिसर्च से सबको गलत साबित कर दिया। ये प्रूव कर दिया कि राइट अप्रोच से आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है, अगर आप किसी भी न्यू ट्रेंड को समझने और उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नॉलेज और पेशेंस से आप कोई भी फाइनेंशियल एंड का सही फायदा उठा सकते हैं। ये दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।